दोस्तों मान लो कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी समस्या आपके सामने बहुत बड़ी है। मतलब आपको पता है कि अगर आपकी लड़ाई हो गई तो आप उस व्यक्ति को नहीं हरा पाओगे, पर आप क्या कर रहे हो? आप एक ऐसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहे हो जिसकी मदद से जो तगड़ा व्यक्ति है, जो बहुत पावरफुल व्यक्ति है, स्ट्रांग पर्सन है, उसकी वीकनेस के ऊपर वार कर रहे हो। इससे क्या होगा? आप एक चीज इंश्योर कर रहे कि तो लड़ाई में आप हारोगे नहीं। दूसरा, अगर आप हार भी गए तो उस स्ट्रांग पर्सन को जितना नुकसान होगा वो उसकी भरपाई नहीं कर पाए। यही पॉक्यूपिन स्ट्रैटेजी आज ताइवान इस्तेमाल कर रहा है चाइना के खिलाफ, और ये स्ट्रैटेजी चाइना और ताइवान के रिलेशन में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पूरे ग्लोबल ऑर्डर के लिए आज स्टडी का बहुत बड़ा कंसर्न भी बन गई है। किस तरीके से ताइवान एक बहुत छोटा देश होने के बावजूद इतने बड़े मुल्क चाइना के खिलाफ खड़ा हुआ है और डट के खड़ा हुआ है। आज आप लोग मेरे साथ कवर करोगे चाइना ताइवान रिलेशन। हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स और ताइवान का रिलेशन चाइना को इम्पैक्ट करता है, और चाइना उस रिलेशन को मद्देनजर रखते हुए क्या क्या कदम उठा रहा है, क्योंकि हमारे यूपीएससी मेंस जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर यह मुद्दा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशन में वी विल अंडरस्टैंड अबाउट किस पूरे इशू का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और इंडिया के क्या रिलेशन है चाइना और ताइवान के इशू के अंदर। हे एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और आज हम सब लोग कवर करने वाले हैं चाइना ताइवान इशू। स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, चाइना ताइवान डिस्प्यूट आजकल न्यूज में चल रहा है। न्यूज में क्यों चल रहा है? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर नैंसी पेलोसी ने रिसेंटली ताइवान विजिट किया। उनके ताइवान विजिट होने के बाद चाइना के पॉलिटिकल ऑर्डर में एक तरीके से आप कह सकते हो क्योटिक सिचुएशन आ गई, और सब इस चीज को सोचकर परेशान हो गए कि हमने तो पूरी दुनिया को बोल रखा है कि ताइवान हमारा पार्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक इतनी स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव कैसे ताइवान के अंदर आती है बिना चाइना को इन्फॉर्म किए। ऑल्दो जो बिडेन ने इसके ऊपर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी, ये भी बोला कि हमारे यहाँ तो जो पिलर्स हैं वो तीनों अलग अलग हैं, है ना, आई बिलोंग टू एन एग्जीक्यूटिव पिलर, दे बिलोंग टू लेजिस्लेटिव पिलर, बट फिर भी जो ग्लोबल ऑर्डर में चीजें हैं वो समझने के लिए हमें पूरा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। और यहां पर ताइवान को ये डर लग रहा है, ये खतरा लग रहा है, और ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बात भी बोली कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है, चाइना कैन इन्वेड अस एट एनी टाइम। ये इसलिए भी बोला क्योंकि चाइना ताइवान के अराउंड अलग अलग जगहों पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर। सो द न्यूज इज कि जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है चाइना और ताइवान के बीच में, और कंट्रोवर्शियल इशू अब यहाँ पर पॉलिटिकल डिस्प्यूट तो बन ही चुका है। और यहाँ पे जो इसकी शुरुआत हुई वो ही जब ताइवान जापान के पास से चाइना के पास चला गया और वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गई थी 1945 में, and the subsequent split between the PRC and ROC as a result of the Chinese Civil War. इन सब चीजों को हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप एक बार ये पूरा मैप देखो, मैप अंडरस्टैंड करना जरूरी है। यहाँ पर आपको चाइना दिख रहा है, ये आपको ताइवान दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये वाला जो इलाका है ना चाइना और ताइवान के बीच में, इसको हम लोग ताइवान स्टेट के नाम से जानते हैं। ओके, यहाँ पे आपको फिलीपीन सी देखने को मिलेगी, ये रही, और ये रहा हमारा पैसिफिक ओशन। तो ताइवान की एक बार आप लोकेशन को थोड़ा सा गौर से देखोगे तो चाइना जिस साउथ चाइना सी के अंदर 9 डैश लाइन को क्लेम करता है तो वो भी ताइवान के सहारे से करता है। तो बहुत बड़ा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो चाइना क्लेम करता है वो भी ताइवान के सहारे से, और ताइवान छोटा सा देश है पर रिसोर्सफुल पूरी दुनिया के लिए। ताइवान आप देख रहे हो चाइना के मेनलैंड से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं,
और आज की डेट में चाइना इन जगहों पर, इस वाले पार्ट में, 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 मतलब ताइवान के कोस्टल इलाके के अलग अलग जगहों पर अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज दिखा। अगर इसको समझने की कोशिश करें तो वो अपनी एक्सरसाइज कम, अपनी ताकत ज्यादा दिखा रहा है। ताकत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर ताइवान को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, देन वी हैव द पावर टू इमीडिएटली कॉन्कर ताइवान। हम इमीडिएटली कॉन्कर कर सकते हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। और मैंने हमेशा एक चीज बोलता हूँ, अगर आप चाइना के पूरे बैकग्राउंड को भी देखोगे तो जितनी भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं चाइना की, सबके साथ कोई ना कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है ही। और चाइना की एक खास बात है, चाहे वो उस देश के ऊपर अटैक करे ना करे, पर उसको माइंड गेम में बहुत फंसा के रखता है। मतलब किसी भी समय पर वो देश शांत नहीं बैठना चाहिए, उसको हमेशा कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ लगे रहना चाहिए। कुछ नहीं तो अपने बॉर्डर के अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा देगा चाइना। यही सेम चीज चाइना यहाँ पर, आप समझो कि ताइवान के अराउंड भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो टेंशन है, वो किन की वजह से आई? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेंशन? मैंने आपको बताया, स्पीकर नैंसी पेलोसी। ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं ग्लोबल ऑर्डर की वजह से। यूएस क्लेम कर रहा है कि चाइना अपनी ओबीओआर और ना जाने कितनी सारी अलग अलग पॉलिसी की वजह से वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक क्षेत्र राज करने की कोशिश कर रहा है। यूएसए क्या कहता है? यूएसए अब आज की डेट में तो ये कह रहा है कि आई वॉन्ट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। ठीक, तो यहां पर जब वॉशिंगटन और बीजिंग का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन था वो ऑलरेडी अभी वीक चल रहा है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, और नैन्सी पेलोसी की विजिट ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। तो लोकेशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है समझे, तो ताइवान को चाइना पता है क्या बोलता है? द फर्स्ट आइलैंड चेन। इतना बड़ा रिकॉग्निशन रखता है, कहता है ये मेरी भाई फर्स्ट आइलैंड चेन है। ताइवान ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना इसको ये मानता है, इट्स द रिपब्लिक ऑफ चाइना। ऑल्दो ताइवान बोलता है कि आई एम अ सोवरेन स्टेट। रिपब्लिक ऑफ चाइना या ताइवान इज अ कंट्री इन ईस्ट एशिया, जो कि आपको ईस्ट और साउथ चाइना सी के जंक्शन पे देखने को मिलेगी, इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन, विद द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना टू द नॉर्थ वेस्ट। जापान यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में पड़ता है, और फिलीपींस साउथ में। हम लोगों ने देखा था कि उसके नीचे फिलीपींस सी भी थी। इट सिट्स द सो कॉल्ड फर्स्ट आइलैंड चेन, विच इंक्लूड्स द लिस्ट ऑफ यूएस फ्रेंडली टेरिटरीज, जैसे जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, और जो कि यूएस फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में तो यूएस, जैसे अभी कुछ दिनों पहले तक इंडियन ओशन रीजन पे ओवर फोकस कर रहा था, वापस से जो फोकस है वो उठ के पैसिफिक ओशन पे धीरे धीरे आ रहा है। ठीक, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों को साथ में क्लब करके चलना पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वो लीव नहीं कर सकता, ये दोनों ही देश बहुत जरूरी है। ओनली 14 स्टेट्स मेंटेन ऑफिशियल डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान। इंडिया का क्या है आगे पता लगेगा। नो गवर्नमेंट हैज एवर साइमल्टेनियसली मेंटेन फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद बोथ चाइना एंड ताइवान। क्यों? चाइना का दमखम, चाइना बात करता है वन कंट्री टू पॉलिसी के बारे में, टू स्टेट के बारे में। क्यों? क्योंकि चाइना एक ही चीज कहता है कि मेरे वन कंट्री टू सिस्टम के अंदर जो भी रिलेशन होंगे वो मेरे साथ ही होंगे। हाँ, उस देश में इंटरनली एक अलग सिस्टम हो सकता है, और जब सिस्टम के बारे में बात करता है वो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात। मूविंग ऑन, इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। अब देखो, अगर आपके पास मान लो सवाल आता है ना जीएस पेपर टू में, तो यहाँ पे जिस तरीके से मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, आपको उसी पैटर्न में अपना मेंस आंसर भी फ्रेम करना है। ठीक है, एंड में मैं आपको मेंस का भी एक सवाल देकर जाऊंगा। चाइना इज नॉट प्लीज विद यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी विजिट टू ताइवान। बिल्कुल भाई, क्यों ही प्लीज होंगी, क्यों ही प्लीज होंगे एक स्टेट में आप बिना उनसे पूछे घुस जाओ जिसको वो क्लेम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली चाइना इज नॉट प्लीज्ड। तो चाइना, क्योंकि चाइना व्यू करता है ताइवान को एज अ सेपरेटिस्ट प्रोविंस, और शुरू से ही ताइवान यूएस और चाइना की पॉलिसी में एक टेंशन का मुद्दा रहा है। लॉन्ग क्लेम बाय चाइना और ताइवान को एक रेनिगेड प्रोविंस के रूप में देखता है, एक ऐसा प्रोविंस जो कि उसका अभिन्न अंग है, और ताइवान अपने आप को कहता है कि नहीं भाई, मैं तो एक सोवेरियन रिपब्लिक हूं, आई एम अ सोवेरियन रिपब्लिक। सोवेरियन का मतलब मैं अपनी डिसीजन खुद दे सकता हूँ, रिपब्लिक मतलब मेरा जो हेड होगा, जो
जो मुझे हेड करेगा वो इलेक्टेड पर्सन होगा। इंडिया भी एक रिपब्लिक नेशन है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्रेजिडेंट होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। तो ताइवान कहता है कि भाई मैं भी एक सोवेरियन रिपब्लिक हूँ, हाउएवर द यूएस इज ताइवान्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड एंड वॉशिंगटन इज ऑब्लिगेटेड बाय लॉ टू सपोर्ट ताइवान इन सेल्फ डिफेंस। यूएस कहता है मैं ताइवान को इसलिए सपोर्ट करता हूँ बिकॉज आई एम गिविंग सेल्फ डिफेंस टू ताइवान। चाइनीज प्रेसिडेंट ज़ाई जिनपिंग का प्रपोजल था फॉर यूनिफिकेशन अंडर द वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी। नाउ व्हाट इज दिस पॉलिसी? चाइना का एक और पार्ट है, उसको हम लोग हांगकांग के नाम से जानते हैं। जो हांगकांग है वो भी वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी में वर्क करता है। वन कंट्री टू सिस्टम मतलब चाइना कहता है कि भाई देश एक ही रहेगा, सब ना सारी चीजें चाइना ही रहेगा, और ये जो छोटे छोटे हांगकांग है, ताइवान है, ये भी अपने आप को चाइना ही बोलेंगे। ऑल्दो इंटरनली ये अपने अलग सिस्टम चला सकते हैं पॉलिटिकली। जैसे हांगकांग के अंदर जुडिशियल सिस्टम अलग है, हांगकांग के अंदर एग्जीक्यूटिव सिस्टम अलग है, लेजिस्लेटिव सिस्टम अलग है, उसका चाइनीज एग्जीक्यूटिव से, चाइनीज जुडिशियल से कोई भी लेना देना नहीं है। ये है सिंपल भाषा में वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी। तो ताइवान के पास ये पॉलिसी का ऑफर आया, ताइवान ने रिजेक्ट कर लिया, ताइवान ने देखते रिजेक्ट कर लिया। ताइवान के प्रेजिडेंट उस समय पे थे ज़ाई लिंगबिन, ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला भाई मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता एंड आई वॉन्ट सुप्रीम सोवरेनिटी, ठीक है। एंड शी इंसिस्टेड दैट ताइवान वुड नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट द हांगकांग मॉडल। भाई हमें हांगकांग मत समझो, वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट हांगकांग मॉडल बिकॉज डेमोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियनिज्म कैन नॉट एग्जिस्ट टूगेदर। चाइना कैसा देश है? डेमोक्रेटिक तो नहीं है, अथॉरिटेरियनिज्म है भाई, पार्टी पॉलिटिक्स है। जिस पार्टी का लीडर वहां पे जीतेगा वो पार्टी लीडर पूरी तरीके से एक्स्ट्रा राज करेगा, डेमोक्रेसी नहीं है। एंड ताइवान वॉन्टेड टू बी अ डेमोक्रेटिक स्टेट सिंपली। नाउ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि ताइवान वॉज रूल्ड बाय जापान आफ्टर द फर्स्ट सिनो जापानीज वॉर। पहली चाइना और जापान के बीच में लड़ाई होती है 1895। बट फॉलोइंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू रिपब्लिक ऑफ चाइना टुक द कंट्रोल ऑफ ताइवान, जापान से चाइना के जेब में चला गया। चाइना की पहली पॉलिटिकल पार्टीज वर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और कोमिंटर्न, KMT के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, जिनको ROC भी कहते हैं। However, जो कम्युनिस्ट फोर्सेस थी, जो कम्युनिस्ट लोग थे, उन्होंने मतलब उस समय पे माओ ज़ेडोंग लीड करते थे उनको, माओ ज़ेडोंग वॉन द चाइनीज सिविल वॉर। वहां पे लोग थे, उन्होंने कुछ सड़कों पे उतर कर अपनी आजादी के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए पूरी तरीके से एक जंग छेड़ दी थी मिलिट्री के खिलाफ, सिविल वॉर हुई, माओ ज़ेडोंग लीड कर रहे थे, इसलिए जो KMT थी उनको ताइवान भगना पड़ा। तो KMT थी जो कि पहली पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, उसके लोग कहाँ भग गए? ताइवान भग गए। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी गेन्ड दी पॉपुलैरिटी एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स अर्ली एफर्ट ऑन लैंड रिफॉर्म, और जनता का इनको मस्त सपोर्ट मिला, पॉपुलर सपोर्ट मिला, क्योंकि इन्होंने फोकस किया पीजेंट्स के ऊपर, फोकस किया फार्मर्स के ऊपर, ठीक। जैपनीज इन्वेडर्स से भी लड़े, जो भी बाकी थ्रेट थे चाइना में उस समय पे सबको उन्होंने खत्म कर दिया, और लंबे समय तक कम्युनिकेशन जो था चाइना के साथ इट वॉज कम्प्लीटली कस्ट ऑफ। किसका? ताइवान का, क्योंकि ताइवान में KMT के लोग भग गए। 1980s की बात है, ताइवान के पास चाइना ने ऑफर दिया, देखो ये सब फालतू की बातें हैं, वन कंट्री टू सिस्टम में जुड़ जाओ, मना कर दिया। उस समय चाइना ने बहुत सारे सैंक्शंस भी लगाए थे, ट्रैवल से रिलेटेड सैंक्शंस, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सैंक्शंस, ऐसा कोई सैंक्शन नहीं था जो उस समय पर ना लगाया हो। अब यहां पर व्हाट वाज वन चाइना पॉलिसी, मैं आपको ऑलरेडी 2-3 बार शॉर्ट में बता चुका हूं इस 5 मिनट के दौरान, बट फिर से सुन लो। वन चाइना पॉलिसी एक्नॉलेजेस बीजिंग्स लॉन्ग हेल्ड व्यू दैट देयर इज ओनली वन चाइना, एक चाइना, ऑफ विच ताइवान इज अ स्मॉल पार्ट। द वन चाइना पॉलिसी सेज दैट कोई भी देश अगर किसी भी तरीके के डिप्लोमेटिक लिंक रखना चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के साथ रखेगा। ये जो हमारे अंदर छोटी छोटी स्टेट्स हैं वन कंट्री टू सिस्टम में, आप उनके साथ नहीं रख सकते। ताइवान के अंदर कुछ देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन अभी भी हैं। वन कंट्री टू सिस्टम जो पॉलिसी है, अगर कोई आपसे बाय द चांस पूछ ले कि किसने दिया, तो इट वॉज
Deng Xiaoping. He is the person who first suggested this idea of one nation, two system. One nation, two system as a mean of repairing ties between communist mainland और कुछ वो इलाके जो कि हिस्टोरिकली चाइना का पार्ट थे और चाइनीज इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, जैसे ताइवान है, हांगकांग है, मकाओ है, तो ये तीन देश है। ये जो सिस्टम है इट वॉज इनिशियली प्रपोज टू ताइवान, और भाई ताइवान के बाद हांगकांग पे प्रपोज हुआ ये, ऑल्दो हांगकांग ने तो एक्सेप्ट कर लिया था और अभी भी हांगकांग का भी मुद्दा चल रहा है। उम्मीद है कि हांगकांग भी अलग होने की बात करेगा। एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मस्ट बी रीनेम टू द रिपब्लिक ऑफ चाइना, और डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने चाहिए मेनलैंड चाइना में अकॉर्डिंग टू द ताइवानीज इफ दे आर टू द एक्सेप्ट वन नेशन टू सिस्टम। देखो ताइवान का एक यहाँ पर अच्छा डिसीजन ये था कि वो ये कह रहे हैं ठीक है हम इस पॉलिसी में भी जुड़ जाएंगे, पर आपका जो सिंपल पॉलिसी है अथॉरिटेरियनिज्म आप इसे हटा दो, आप चाहते हो कि हम जुड़े तो आप भी डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ो ना। और चाइना ने भी रिजेक्ट कर दिया। सोचो ये बात क्या हुई है कि जैसे इंटरव्यू चल रहा है, आप खुद इंटरव्यू देने आए हो और आपने इंटरव्यूअर को ही ऑफर दे दिया। यही सेम चीज चाइना के साथ ताइवान ने करी। भाई चाइना पहुंचा ऑफर देने कि भाई वन कंट्री टू सिस्टम, वो कह रहे हैं अथॉरिटेरियनिज्म है, हटा के डेमोक्रेसी कर दो, वी विल बी इन योर पार्ट, है ना। चलो नाउ आगे क्या होता है, कुछ मूवमेंट्स भी चली हैं, कुछ क्या होता है ना एक के बाद एक के बाद एक कुछ कुछ सीन होते रहे। तो सनफ्लावर मूवमेंट हुई, सनफ्लावर स्टूडेंट मूवमेंट 2014 में स्टार्ट हुई थी, 23 दिन में प्रोटेस्ट चला ताइवान के अंदर, और ताइवान ऑक्यूपाइड द लेजिस्लेचर टू वॉइस देयर अपोजिशन टू द गवर्नमेंट्स पुश टू पास द क्रॉस स्ट्रेट सर्विस ट्रेड एग्रीमेंट। ये एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट था जिसको देख के ताइवान को लगा कि भाई ताइवान की ऑटोनॉमी कहीं ना कहीं चाइना की तरफ शिफ्ट हो रही है, और ताइवान ये नहीं चाहता था बिकॉज वो तो अपने आप को सोवरेन स्टेट समझता है, ठीक, और ताइवान को कहीं ना कहीं डिपेंडेंट बना रहा था बीजिंग के पॉलिटिकल प्रेशर की तरफ। नाउ इसके बाद एक और मूवमेंट हुई, ये हुई 2016 में, इसको बोलते हैं मीम कैंपेन। ज़ाय लिंगवेन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के लीडर एंड एडवोकेट फॉर इंडिपेंडेंस वॉन द इलेक्शन इन द रिपब्लिक ऑफ चाइना प्रेसिडेंसी इन जनवरी 2016। जनवरी 20 टेंस थाउजेंड्स ऑफ मेनलैंड चाइनीज इंटरनेट यूजर्स मोस्टली जो कि एक फॉरम से बिलोंग करते थे, उस फोरम का नाम था ली ई तिबा, इससे बिलोंग करते थे, ब्रोक थ्रू द चाइनाज ग्रेट फायरवॉल टू बॉम्बार्ड द फेसबुक पेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्ट ताइवानीज न्यूज ऑर्गेनाइजेशन एप्पल डेली एंड सेट न्यूज एंड अदर पीपल विद मैसेजेस एंड स्टिकर्स इन अपोजिशन ऑफ द आइडिया ऑफ ताइवानीज इंडिपेंडेंस। पूरी सोशल मीडिया पे कि ताइवान को इंडिपेंडेंस नहीं मिलनी चाहिए, इस चीज को लेकर हंगामा मच 2016 में। और देखो देखो ताइवान के जो लोग होंगे उनको तो इसमें बुरा लगेगा, उनको इम्पैक्ट होगा, और उनको यहाँ पर इम्पैक्ट होना चालू हुआ भी। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि ठीक है ये सब चीज़ें चल रही हैं, बहुत पहले से चल रही हैं, बहुत लॉन्ग टर्म टाइम से चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लंबा हो चुका है, बट ताइवान इतना ज़रूरी क्यों है चाइना के लिए, चाइना छोड़ क्यों नहीं देता। हमेशा जब भी आप इम्पोर्टेंस देखना चाहो आज के डेट में सबसे ज़रूरी क्या है, पैसा और सिक्योरिटी। मान लो अगर ताइवान जिस पोजीशन पे बैठा है वहां पे यूएस नेवी का एक बेस बन जाता है, तो ये तो एक टोटली यूएस की तरफ टिल्टेड ग्लोबल ऑर्डर हो जाएगा, पूरी दुनिया यूएस की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और उसकी नेवी के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजीशन हो जाएगी जहां पे वो साउथ चाइना सी को भी देख पाएगा, इंडियन ओशन को भी देख पाएगा, और पैसिफिक ओशन को भी कवर कर पाएगा। कहीं ना कहीं इस चीज को भी प्रिवेंट करना, भाई अपनी सुरक्षा सबसे पहले, या दूसरा इकोनॉमी। ताइवान इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चाइना इकोनॉमिकली। आज हम सब लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर के कितने क्राइसिस हो रहे हैं, इसी का कारण है कि अगर आप बाइक खरीदने जाओ, कार खरीदने जाओ, मोबाइल लैपटॉप सबके रेट बढ़ रहे हैं। क्यों भाई? सेमीकंडक्टर शॉर्टेज है ना दुनिया में। सेमीकंडक्टर कहाँ बन रहे हैं? मेड इन ताइवान। टेक्नोलॉजिकली भी ताइवान बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाउ इसी चीज को समझने के लिए जो इकोनॉमीज हैं चाइना और ताइवान की, दे आर टाइटली इंटरवूवन विद एन एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ 515 बिलियन डॉलर।
from 2017 to 2022. And China will be Taiwan's largest export partner, surpassing the United States, which will be its second largest partner. Nationalists, jo hai, they were forced there during the Chinese Revolution 1949. Beijing ne claim kiya Taiwan ko, which is far closer to the mainland than the other islands. Aur Chinese economy ke development ke liye, Chinese technology ke development ke liye, Taiwanese people ka bhi bahut important role hai. ताइवान के जो लोग हैं दे कैरी द टैलेंट, दे कैरी द स्किल. इस स्किल का फायदा चाइना ने इतने वर्षों से उठाया है कि ताइवानीज आर मेकिंग एफर्ट्स टू गेन इंडिपेंडेंस एंड इन्वेस्ट इन अदर नेशंस. जैसे इंडिया के अंदर ताइवान ने इन्वेस्ट किया SBI बैंक के साथ, न्यूजीलैंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है. ताइवान क्या कर रहा है? ताइवान दिखा रहा है कि मैं टोटली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता, और चाइना चाहता है कि ताइवान टोटली सिर्फ और सिर्फ हमारे ही ऊपर डिपेंड है. ठीक, यहां पे ये चीज आ जाती है. अब आउटकम जो होंगे अगले इलेक्शन के, वो बहुत क्रूशियल होंगे कि चाइना और ताइवान किस तरीके से फ्यूचर में इंटरेक्ट करेंगे. पर मेजॉरिटी जो है ताइवानीज, दे हैव इन्वेस्टेड इन चाइना एंड द आइलैंड नेशन इज एमिंग टू मेक इन्वेस्टमेंट इन अदर नेशंस. और ताइवान में अगर कुछ बड़ा बदलाव आता है तो ये कहीं ना कहीं चाइना की जो पावर है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम करेगा. थर्ड, ताइवान के अंदर जो स्टेट क्राइसिस है, देखो ताइवान स्टेट का मैप हम लोगों ने देखा था, बिल्कुल ताइवान और चाइना के बीच में ताइवान स्टेट पड़ रहा है. 1995-1996 के बीच में जो ताइवान स्टेट क्राइसिस था वो टेंशन में बदल गया, और ताइवान, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत सारे मिसाइल टेस्ट करने लगे ताइवान के अराउंड. तो क्या हुआ, चाइना को लगा भाई US क्यों कर रहा है. ठीक, तो वहां पे जो सारी चीजें थी वो थोड़ी सी चैलेंजिंग हो गई. Now the ties reached a peak in 2015 during the historical meeting between the heads of the KMT and the Chinese Communist Party. Now, जो KMT थे, ये वही हैं जो कि ताइवान चले गए. ठीक, relations deteriorate होते चले गए 2016 के बाद भी, when Tsai Ing-wen from the traditionally pro-independence Democratic Progressive Party won the landslide presidential election in Taiwan, propelled by concern among voters that Taiwan was moving too close to Beijing under the KMT government. भाई जब लोगों को लगने लगा कि भाई हमने तो सरकार को चुन के भेजा है, वो तो जबरदस्ती चाइना के नजदीक जा रही है, तो लोगों ने खुद प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया. साई जिनपिंग के अंदर चाइना की जो पावर है वो बहुत स्ट्रांग हो गई. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, असर्टिवनेस सुपर हाई हो गई, और यहां पर ताइवान को एलिनेट भी लगने लगा. ठीक, और ये भी लगने लगा कि भाई जिस तरीके से हांगकांग के ऊपर कब्जा करा हुआ है हमारे ऊपर, इसीलिए ताइवान थोड़ा सा सेप्टिकल रहा. नाउ व्हाट वर द रीजंस फॉर US चाइना लॉगरहेड ओवर द ताइवान. भाई क्यों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना, ये दो देश क्यों आपस में भिड़ रहे हैं ताइवान जैसे एक छोटे से जमीन के पार्ट के लिए? कारण बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, बाकी तो PPTs आपको मिल ही जाएंगी. इम्पॉर्टेंट है, ताइवान इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सप्लायर ऑफ सेमीकंडक्टर्स. ताइवान क्रूशियल पोजीशन रखता है, दुनिया का 10% सेमीकंडक्टर इतना सा देश अकेला बना लेता. ठीक है, और इसके साथ साथ 10% ऑफ द वर्ल्ड शिपिंग कंटेनर कैपेसिटी भी यही कंट्रोल करता है. चाइनीज इकोनॉमी के लिए जरूरी है. ताइवान इज दी ताइवान बिगेस्ट पार्टनर कौन है? चाइना. ताइवान चाइना की नीड्स फुलफिल करता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद किसकी नीड फुलफिल करता है? सिलिकॉन वैली, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उसके बाद रशियाज एनेक्सेशन एंड चाइनाज मिलिट्री थ्रेट. कुछ वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ये चीज मानते हैं कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेता है, इट विल बी फ्रीयर टू प्रोजेक्ट इन्फ्लुएंस इन दी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन. और यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज किसको होगा? जापान को. सबसे बड़ा चैलेंज इंडोनेशिया, जापान, ये दो देशों को सबसे बड़ा इम्पैक्ट. जापान को इम्पैक्ट मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट हो जाना. यूक्रेन के अंदर क्राइसिस हुआ, भाई ये वाला मुद्दा सुनो, यूक्रेन के अंदर क्राइसिस हुआ, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई, रशिया ने अपनी पूरी पावर दिखाई, कहीं ना कहीं रशिया ने अपना कंट्रोल भी दिखाया मिलिट्री के ऊपर, और यूक्रेन को पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लिया.
अब क्या है, जब हम लोग पूरी दुनिया में समझ रहे थे कि भाई अब जो लड़ाई है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्सेस चाइना है, जब से रशिया वापस से गेम में आया है अब क्या बात हो रही है कि स्टिल देयर इज यूएस वर्सेस रशिया एंड रशिया इज एक्टिंग टू बी द बिग ब्रदर ऑफ चाइना, समझे। तो पहले जो यहाँ पर डबल गेम चल रहा था अब वो ट्राइंगल में तब्दील हो चुका है, जिसमें कि रशिया और चाइना एक साथ। तो क्योंकि रशिया और चाइना एक साथ है, ईरान देख लो रशिया की तरफ शिफ्टेड हो रहा है, अफगानिस्तान देख लो रशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो ये वाला इलाका है हमारा ईस्ट एशिया, अपना ये वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया वाला, यहाँ पर यूएस का कंट्रोल वीक हो गया। इसलिए यूएस कोशिश कर रहा है कि भाई चलो ईरान न्यूक्लियर डील कर लो। अब यूएस के पास रास्तों में रास्ता एक बचा है, वो है ताइवान। तो समझ जाओ जो आप लोग, ठीक है, आई थिंक इतने आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, हर चीज कहीं नहीं जाती है, ठीक है। तो पोस्ट आइलैंड चेन स्ट्रेटेजी जो यूएस की है, जिसकी मदद से यूएस काउंटर करता है चाइना, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है ताइवान उसका। कंट्रोल किसका हो रहा है अभी पर? चाइना। तो ये पांच इम्पोर्टेंट रीजंस हैं। मूविंग ऑन, जो नैन्सी पेलोसी जी ने विजिट करा ताइवान में, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ? भाई चाइना ने एक झटके में जो फ्रूट्स और फिश ताइवान से लेता था सस्पेंड कर दिया। अब ताइवान किसको बेचेगा? देखो भाई, किसी को भी हर्ट करना, किसी भी राजा को हर्ट करना, उसकी इकोनॉमी वीक कर दो, इकोनॉमी वीक, राजा ध्वस्त, ताइवान की इकोनॉमी के ऊपर पूरी तरीके से ताला लगा दिया, ठीक। इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, चाइना ने एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल सैंड भी बंद कर दिया ताइवान। देखो ताइवान सेमीकंडक्टर बनाता है, पर सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो चाइना देता है ताइवान को। कौन सा? नेचुरल सैंड। अब यहां पे मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, नेचुरल सैंड वाला जो इलाका है वो कौन सा है? हमारे देश के लद्दाख के बिल्कुल नजदीक वाला इलाका है। इसीलिए जिसको, जो लद्दाख वाला इलाका है ना, पैंगोंग सॉ लेक वाला, वो चाइना के लिए इसलिए जरूरी है, ठीक है। स्ट्रेटेजिकली तो इंपॉर्टेंट है ही, इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है। तो वहां से सैंड लेकर ये ताइवान भेज देगा। इसके साथ साथ डिटेंशन ऑफ सिटीजन, जो भी लोग चाइना के अंदर थे ताइवान के पकड़ लिया, पीपल टू पीपल रिलेशन होगा, उनके कुछ रिश्तेदार रह रहे होंगे ताइवान में, अब वो जाके बोलेंगे ताइवान सरकार के खिलाफ, भाई ये क्या हो रहा है, हमारे बच्चे पकड़ लिए, हमारे रिश्तेदार पकड़ लिए। मिलिट्राइजेशन ऑफ द रीजन, उसके आसपास क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज कर रहे हैं। और डिप्लोमेटिक रिलेशन यूएस के साथ खराब कर दिया, यूएस को डायरेक्टली बोल रहे हैं क्या कर रहे हो, यू वांट टू फाइट, फाइट, डोंट फाइट, ठीक। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इमीडिएट इंपैक्ट हुआ। अभी लार्जर इंपैक्ट क्या होगा ताइवान क्राइसिस का? देखो अभी भी COVID-19 इंपैक्ट से हम लोग नहीं उभर पाए हैं, इकोनॉमी अभी भी वापस अपनी प्रीवियस स्टेट में नहीं आ पाई है। अब इकोनॉमी अपनी प्रीवियस स्टेट में आए उसके लिए सब चीजें बेटर होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या, जब ताइवान के ऊपर सैंक्शन लगेंगे तो बहुत सारे ग्लोबल ऑर्डर में टेक्नोलॉजी के ऊपर इंपैक्ट होगा, ग्लोबल सप्लाई चेन गड़बड़ा जाएगी। इसके साथ साथ जो साउथ चाइना सी वाला जो इलाका है, जो ताइवान स्टेट है, इट इज अमंग द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग रूट, वहां पे डिसरप्शन आएगा, फिर ग्लोबल ट्रेड डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसकी वजह से होगा बटरफ्लाई इफेक्ट। व्हाट इज बटरफ्लाई इफेक्ट? बटरफ्लाई क्या करती है? बटरफ्लाई को छेड़ो तो बटरफ्लाई उड़ती है। सिमिलरली आप कुछ चीजों के ऊपर हल्का सा भी छेड़ोगे, उनके ऊपर इंपैक्ट डालोगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बूस्ट करेगा, महंगाई बढ़ेगी। भाई प्रैक्टिकल है, अभी आपके गाड़ी, आपके बाइक, आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप, इन सब के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से। सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है, ऑब्वियसली डिमांड उतनी ही है, प्राइस राइज करना पड़ेगा। वो क्या है, वो बटरफ्लाई इफेक्ट में तब्दील हो जाएगा। अब यहां पर भारत का क्या रोल है, हमारा क्या स्टैंड है, इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया का स्टैंड ये है कि हम जबरदस्ती किसी की भी लड़ाई में कूदेंगे नहीं जब तक कि वो हमें डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करती। इंडिया इज नॉट सेइंग एनीथिंग ऑन चाइना ताइवान इशू, ऑल्दो ताइवान के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन है, हमारे वहां पे ऑफिसेज भी हैं, बट दे आर नॉट एज डायरेक्ट एज जो हमारे चाइना के अंदर है। बिकॉज चाइना पूरी दुनिया को कहता है कि भाई आपको वन चाइना प्रिंसिपल मानना पड़ेगा, इसके अंदर यू नीड टू एग्री
कि भाई चाइना एक ही है, तभी हम भी आपके साथ गुडविल रिलेशन रख पाएंगे। तो इंडिया डज नॉट हैव अ फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान येट एज इट सब्सक्राइब टू द वन चाइना पॉलिसी, बट एज इट इज टाइज विद चाइना हैव कम अंडर द स्ट्रेस ऑफ लेट इंडिया हैव बीन प्लेइंग अ इंपॉर्टेंट रोल विद ताइवान। हम लोग भी क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे बॉर्डर के अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाता रहता है, हम भी कहीं ना कहीं बाय इनडायरेक्ट मींस ताइवान को हल्का हल्का छेड़ते रहते हैं। ताइवान इंडिया देखोगे कि कैसे आपको समझना है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है इंडिया और ताइवान के बीच में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करने की बात हो रही थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है हमारी, है ना, उसके अंदर वी आर टारगेटिंग द ईस्ट नेशंस, साउथ बाउंड पॉलिसी है ताइवान की जिसके अंदर ताइवान हमारे साथ बेटर कोऑपरेशन के बारे में बात करता है, फिर हमारा सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोग ग्रीन फील्ड सेमीकंडक्टर फैब लेबोरेटरीज हमारे देश में खोल रहे हैं, तो बाहर से महंगे आ रहे हैं तो अपने देश में सेमीकंडक्टर बना लो, तो उसके अंदर ताइवान इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके साथ साथ इंडिया और ताइवान का जो बिलेटरल ट्रेड है वो $7 बिलियन तक पहुंच गया था 2021 में, और जो एप्पल के जो मोबाइल्स होते हैं, आईफोन होता है या आईपैड है, वो कौन बनाती है, कंपनी बनाती है, उसका नाम है फॉक्सकॉन से भी हमारी बात चल रही थी, ताइवान बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फॉक्सकॉन, ठीक है, फॉक्सकॉन से हमारी बात हो रही थी, और अभी लेटेस्ट भी खबर आई है कि शायद आईफोन जो 14 आएगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर होगी और पैरेलली ही बिकेगा, बहुत बड़ी चीज़ है, और वो इसीलिए है क्योंकि हम लोगों ने फॉक्सकॉन के साथ एग्रीमेंट साइन किया। सो दिस इज द रिलेशन विच इंडिया इज डेवलपिंग विद ताइवान, ठीक। इतनी सारी हम लोगों ने पूरा का पूरी डिटेल में कवर अप कर लिया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर सारी की सारी चीज़ें तक, दी चाइना ताइवान डिस्प्यूट। I hope you all gained lot of knowledge from this session. अपने विचार जरूर लिखना about China and Taiwan, और आपको क्या लगता है कि आगे क्या हो सकता है। हाँ, आपके लिए छोटा सा और सवाल है कि पॉक्यूपिन स्ट्रैटेजी क्या है, वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलूंगा मैं आप लोगों से अगले वीडियो लेक्चर में, जहाँ पर एक और बड़े मुद्दे के बारे में आपके साथ डिस्कशन। So love and peace from my side. Thank you for having me here, guys, and have a great day ahead. Bye-bye. Take care.